नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो माइनिंग फाउंडेशन से निधि उपलब्ध कराई गई थी जो माइंस से इफेक्टेड गांव है उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर जो भी समस्या है उनको निवारण के लिए। खापरखेड़ा के पास में पोटा चनकापुर गाँव और इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे और यहाँ सावनेर के उपसभापति राहुल तिवारी, ये लोग अनशन पे बैठे हैं। अनशन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी मांग है कि महाविकास आघाड़ी के समय जिस माइनिंग फाउंडेशन के तरफ से जो निधि उपलब्ध कराई गई थी, बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पे रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से गाँव वालों की समस्याएँ बढ़ते जा रही है। ये निधि से जो रोक लगाई गई है वो रोक हटाई जाए और डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाए, इसके लिए अनशन शुरू है। सर, ये उपोषण, जैसा कि मैंने यहाँ पे पढ़ा कि कुछ नीति जो है जिसको सरकार ने, राज्य सरकार ने रोक दिया गया है, तो ये आखिर ये मामला क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। निधि किसी के बाप का नहीं होता है जी। राज्य शासन को हमने वोट दिया, राज्य शासन को हमारे लोग जो काम करते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उससे राज्य शासन के पास निधि जमा होती है। और राज्य शासन सरकार कोई भी हो, मंत्री मिनिस्टर कोई भी रहे, जब लोग हाथ जोड़कर भीख मांगते वोट का, तो उनकी नैतिक दायित्व बनता है कि पदाधिकारी बनने के बाद एक द्वेष का राजकारण नहीं करना चाहिए, समाज का विकास का राजकारण करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे तहसील में इससे बड़ा गांव नहीं होगा जनसंख्या और जगह के अनुसार। भौगोलिक पोटा चनकापुर ग्राम पंचायत, इस तरह की नीति हर गाँव में रुका हुआ है, लेकिन इस गाँव में दिक्कत यह है कि लोगों को, आप अभी देखेंगे बारिश का समय है, महिलाएँ आप देखेंगे, महिलाओं का तकलीफ ये है कि 200-500 मीटर उनके बच्चों को गोदी में उठा करके ऑटो में बिठाने जाना पड़ता है, ऑटो उनके घर तक नहीं आता है। ये बहुत दुर्दैवी, बहुत दुखदाई विषय है। अच्छा, ये निधि मतलब कब ऐसा हुआ, सेंशन कब हुआ था? सेंशन सुनील बाबू जब मिनिस्टर थे तब उन्होंने किया था, महाविकास आघाड़ी के शासन में। और जैसे ही तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये दूसरी सरकार आई, खोखा सरकार जिसको सभी लोग बोलते हैं, बोके खाए खोके वैसा काम है, तब से इन लोगों ने बंद कर दिया। जो जिस जैसे माइनिंग फाउंडेशन से जो काम होने वाला था, जैसे रोड का भी आपने जिक्र किया, तो क्या उसका एस्टीमेट वगैरह बन चुका था? एस्टीमेट बन चुका है, सिर्फ वर्क ऑर्डर देना बचा हुआ था, टेंडर करके वर्क सब कुछ हो चुका था, उसका प्रोसेस, उसका एजेंसी जिला परिषद। सर, आप यहाँ से जिला परिषद सदस्य हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोग यहाँ उपोषण पे बैठे हैं, तो ये मांग क्या लगता है कि कैसे पूरी हो सकती है, और नहीं पूरी हुई तो आप क्या करेंगे? पिछले साल इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय केदार साहब के माध्यम से 7,34,00,000 रुपए माइनिंग फंड से मंजूर हुआ था। क्षेत्र के बारे में बोला जाए तो ये जो मिलन चौक से रोहना रास्ता इतना काफ़ी ख़राब है, और ये रास्ता पारसून तालुका में जाता है, किलोमीटर का फासला होगा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस काफ़ी ख़राब है, और 2 किलोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, उसका प्रॉपरली एस्टिमेट बनाया, सैंक्शन हो गए, टेंडर प्रोसेस में लगने के पहले इन्होंने स्थगिति लगा दी सरकार जाने से। DCM साहब के ऑफिस में जाके मैं डेपुटेशन दिया, मैं कलेक्टर साहब से मिला, क्या कहना है? कलेक्टर साहब ने एक बोल दिया कि हमने प्रपोजल भेजा 7वें महीने में, उन्होंने प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा, मार्गदर्शन मांगा, लेकिन गवर्नमेंट आज की सरकार जो है खोखे सरकार, ये तो निष्ठुर है। कल इस क्षेत्र के विधायक कल यहाँ पे हमको यहाँ हमारे उपोषण को मंडप को भेंट देके गए, उन्होंने बोला कि आप ये सरकार से अपेक्षा मत करो, सरकार निष्ठुर है, लेकिन आप अपना जान का जोखिम लेके काम मत करो, शांति से करो, उपोषण करो, धरने आमरण उपोषण मत करो, ऐसा केदार साहब ने बोले, लेकिन आज जनता के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है।